इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मीरगंज में शौचालय के निर्माण में धांधली। बजट रिलीज होने के बाद भी शौचालय न बनने का आरोप। पंचायत सचिव पर बजट की रकम गोलमाल करने का लगा है आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों ने साठ गांठ कर रकम हड़पने का आरोप। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे थे शौचालय, ग्राम प्रधानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, मीरगंज से, जहां मीरगंज में शौचालय के निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। बजट रिलीज होने के बाद भी शौचालय न बनने का आरोप लगा है। पंचायत सचिव पर बजट की रकम गोलमाल करने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधानों ने साठगांठ कर रकम हड़पी है, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे थे ये शौचालय। इस वक्त की बड़ी खबर, पैसा हड़पने का भी प्रधानों पर आरोप लगा है। तो आपको बता दें, मीरगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो हम आपको सीधे बता रहे हैं। पंचायत सचिव पर बजट की रकम गोलमाल करने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधानों ने साठगांठ कर रकम हड़पा है, ऐसा आरोप उन पर लगा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे थे ये शौचालय, तो वहीं ग्राम प्रधानों के खिलाफ FIR भी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मीरगंज से हमारे संवाददाता आदर्श दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। ऐसा है जैसे कि 410 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें DDO ने सचिव और जो सेक्रेटरी होते हैं उनपे वेतन रोक दिया। ऐसा किया है कि 410 गांव में शौचालय आए थे, जिसमें अभी तक पैसा जो निकाल लिया सेक्रेटरी और प्रधान की साठगांठ से पैसा निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक शौचालय नहीं बने हैं, जो पैसा पूरा सेक्रेटरी और प्रधान डकार गए जी। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ मामले में है, क्या उनपे कार्रवाई की जा रही है? पुलिस से कोई संबंधित नहीं है, ये ब्लॉक संबंधित है मामला। ये इसमें DDO ने FIR करने के आदेश दे दिए हैं, और जो लापरवाही में सेक्रेटरी और प्रधान को चार्जशीट जारी कर दी गई है जी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आदर्श जी।